हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल गाइस कैसे हो आप सब आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है और किसी भी टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे और गाइस देखिए किसी भी टॉपिक से कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से कोई भी टॉपिक हो योगा हो स्पोर्ट ट्रेनिंग हो एनाटॉमी हो फिजियोलॉजी हो किसी भी टॉपिक से कोई भी डाउट हो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइएगा मैं कोशिश करूँगी आपका जो भी डाउट हो उसको क्लियर करूँ और अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर पाती हूँ तो मेरे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशन यूट्यूब ऐप मुझे फॉलो कर सकते हैं आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं ठीक है और गाइस मैं आपसे 110 परसेंट गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जून में वैकेंसी आ रही है टीजीटी पीजीटी की एल्टी ग्रेड में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही है और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जिसका भी जो भी सबसे वीक पॉइंट है सबसे वीक टॉपिक है सबसे पहले उसको क्लियर करिए उसको सबसे पहले अच्छे से तैयार करिए उसके बाद ही सारे टॉपिक्स को कम्प्लीट करिए किसी का हो सकता है योगा हो किसी का स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एनाटॉमी जिसका जो भी है सबसे पहले वो क्लियर करिए उसके बाद सारे टॉपिक को क्लियर करिए ठीक और आप सबसे एक और बात शेयर करना चाहूंगी देखिए अब वैकेंसी तो आ रही है जून में आ जाएंगी हो सकता है फिफ्टींथ ऑफ जून तक तो क्लियर आ जाएंगी तो उसके पहले आप लोग एक काम करिए जैसे सोने के पहले एक घंटे पहले फिफ्टी क्वेश्चन कोशिश किया करें पूरे दिन में आपने जो भी कुछ पढ़ा अच्छा है उसको एक बार चेक करने के लिए कि कितना पढ़ा है आपने कैसे पढ़ा है वो सच में जो पढ़ा है उसका कुछ जो प्रैक्टिस वर्ड सॉल्व कर रहे हो उसमें आंसर सही में सही आ रहे हैं आप कुछ और पढ़ रहे हो किस लेवल का पढ़ना है तो एक टीजीटी पीजीटी के लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स ले लीजिए उसको सॉल्व करिए ताकि आपको पता लगना चाहिए जो हमने पढ़ा है सच में पढ़ा है वो क्या हमारे सच में काम आ रहा है या नहीं सॉल्व करिए क्वेश्चन सही आ रहा है तो आपकी पढ़ाई सही जा रही है क्वेश्चन सही नहीं आ रहा है तो कोशिश करिए कि आप कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हो किसने आपको जाना है ठीक है तो करिए क्वेश्चन की बहुत अच्छा आइडिया है कि क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए गाइस क्योंकि बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब जो वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी जी की वो लास्ट वैकेंसी है अब जो नई नए... अगली जो वैकेंसी आएंगी वो नई शिक्षा नीति पर आएंगी तो इससे अच्छा है कि आप लोग पढ़ाई करके इस बार अपनी सीट्स को पक्की कर लीजिए ठीक है आज का जो टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम ये लास्ट वीडियो है सर्कुलेटरी सिस्टम का और बेसिक और ब्लड ऑफ सर्कुलेशन ऑलरेडी क्लियर करा चुकी हूँ कंप्लीट हो चुका है वीडियो अपलोडेड है जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं आज हम लोग कराएंगे टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो रिलेटेड है सर्कुलेटरी सिस्टम से जिनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो इसको पहले देखना है सबसे पहले टर्म रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहला टर्म है कार्डिक साइकिल कार्डिक साइकिल गाइस क्या होता है द सीरीज ऑफ अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्सेशन ऑफ हर्ट ड्यूरिंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आपको पता है हर्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जब भी ब्लड सर्कुलेट करता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो इसी को जो सीरीज होती है अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की ड्यूरिंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में उसी को कार्डिक साइकिल कहा जाता है ठीक है अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हर्ट कॉन्ट्रैक्ट होना हर्ट का इसको हम लोग साइंस टर्म में सिस्टॉल बोलते हैं इसमें टाइम कितना लगता है पॉइंट थ्री सेकेंड लगता है पॉइंट थ्री सेकेंड लगता है हर्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने में यानी कि सिस्टॉल होने में हर्ट को पॉइंट थ्री सेकेंड लगता है और ब्लड को रिलैक्स करने में रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड में कितना टाइम लगता है पॉइंट फाइव सेकेंड लगता है इसको साइंस के टर्म में डाइस्टॉल बोलते हैं इसको साइंस के टर्म में डाइस्टॉल बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हर्ट को सिस्टॉल बोलते हैं अब गाइस बताना चाहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हर्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हर्ट का तो कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब हर्ट सिकुड़ रहा है तो क्या होता है ब्लड जो होता है आउट होता है ब्लड आउट होता है और जब रिलैक्स होता है ब्लड तो ब्लड इन होता है यानी कि ब्लड अंदर जब रिलैक्स है ब्लड तो ब्लड अंदर आएगा और जब ब्लड और जब हर्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितना ब्लड है, है सब आउट हो जाएगा ठीक है तो इतना आपको याद रखना है सेकेंड टर्म है कार्डिक आउटपुट कार्डिक आउटपुट क्या होता है गाइस आपको पता होगा कार्डिक आउटपुट से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपने लगाए हो चुकी ऑलरेडी क्वेश्चन तो आपको पता होगा कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है कार्डिक आउटपुट क्या होता है ये बहुत पूछा जाता है देखते हैं कार्डिक आउटपुट क्या होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हर्ट इन वन मिनट ये अमाउंट होता है ब्लड का जो ब्लड पम्प्ट होता है ना एक मिनट में हर्ट से जितना भी ब्लड एक मिनट में जितना भी ब्लड पम्प्ड होता है उसको कार्डिक आउटपुट बोला जाता है ठीक है इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हर्ट इन वन मिनट एक मिनट में जितना भी ब्लड पम्प्ड होता है हर्ट से उसको कार्डिक आउटपुट बोला जाता है अब एक कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला होता है क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हर्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है तो कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हर्ट रेट हर्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हर्ट रेट आप लोग अच्छे से लेंड कर लीजिए इस फॉर्मूले को स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है गाइस अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प बाय हर्ट इन ईच बीट आपको पता है दिल मतलब हर्ट जो होता है वो धक धक होता है धग धग होता है ना तो अमाउंट ऑफ ब्लड जितना भी अमाउंट पम्प्ड हो जितना भी अमाउंट ऑफ ब्लड जो है पम्प्ड होता है हर्ट से ईच बीट हर बीट में जितना भी अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड होता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं ठीक है इसमें कहता है अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड होता है एक मिनट में ये इतना एक बीट में इतना जितना भी ब्लड होता है पम्प्ड होता है हट से वन मिनट उसको कार्डिक आउटपुट और जितना भी ब्लड पम्प्ड होता है हर्ट से इन ईच बीट उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है ठीक है क्लियर हो गया ये अब हर्ट रेट क्या होता है हर्ट रेट क्या होता है नंबर ऑफ हर्ट रेट पर मिनट हर्ट बीट पर मिनट नंबर ऑफ हर्ट बीट्स कितनी होती है पर मिनट वो उसको हर्ट रेट बोला जाता है ठीक है नंबर ऑफ हर्ट बीट्स जितनी भी होती है पर मिनट उसको हर्ट रेट बोला जाता है नंबर ऑफ ब्लड पम्प होता है पर बीट में stroke, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं और जितना भी अमाउंट ब्लड होता है पम्प से इन वन मिनट उसको कार्डिक आउटपुट बोला जाता है ठीक है अब कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा स्ट्रोक वॉल्यूम इन टू हर्ट रेट नेक्स्ट आप देखिए कि हार्ट बीट कितनी होती है हार्ट रेट कितनी होती है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हार्ट रेट कितनी होती है नेक्स्ट देखेंगे टर्म ब्लड प्रेशर कहीं ब्लड प्रेशर आप लोग नाम से ही समझ रहे जो प्रेशर होता है ब्लड का वॉल्स पर हर्ट की उसको कहा जाता है ब्लड प्रेशर इट इज़ द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर ये ब्लड प्रेशर मतलब प्रेशर होना किसका ब्लड का किस पर ब्लड वेसल्स पर वॉल्स पर ब्लड वेसल्स की उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर ठीक है इट इज़ द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स स्कॉट ब्लड प्रेशर ठीक है दो टाइप के ब्लड प्रेशर से होते हैं सिस्टॉलिक प्रेशर और डायस्टॉलिक प्रेशर वॉट इज सिस्टॉलिक एंड डाइस्टॉलिक प्रेशर देखते हैं सिस्टॉलिक प्रेशर क्या होता है मैक्मम प्रेशर ऑफ ब्लड एट विच ब्लड लीव्स द हर्ट सिस्टॉल मतलब पता है ऑलरेडी बताया कि ब्लड आउट होता है जब ब्लड से उसको सिस्टॉल कहा जाता है तो जितना भी जितना ज़्यादा सब जितना मैक्ममम प्रेशर होता है ब्लड का जब ब्लड लीव करता है हर्ट से थ्रू मेन आर्ट्री से कॉन्ट्रेक्शन फेज के दौरान उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर ठीक है pressure, जब मैक्सिमम प्रेशर होता है ब्लड का मैक्सिमम प्रेशर जब होता है ब्लड का जब ब्लड लीव करता है हर्ट से थ्रू मेन आर्टरी के थ्रू ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन फेज में उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है इसका टाइम ड्यूरेशन पता चुकी हूँ पॉइंट थ्री सेकेंड होता है और डाइस्टॉलिक प्रेशर क्या होता है मिनिमम प्रेशर जब कम से कम प्रेशर लगता है आर्टरीज में ड्यूरिंग रिलेक्सेशन फेज में हर्ट की उसको कहा जाता है डायस्टॉलिक प्रेशर क्या होता है देखिए मैक्सिमम प्रेशर जब लगता है ब्लड जब लीव करता है हर्ट से मेन आर्टरी के थ्रू मेन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज इसकॉल सिस्टोलिक और मिनिमम प्रेशर जब लगता है आर्टरीज पर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जब रिलैक्स होता है हर्ट रिलैक्सेशन फेज में हर्ट के उसको डाइस्टॉलिक प्रेशर कहा जाता है इसका टाइम ड्यूरेशन होता है पॉइंट फाइव सेकेंड और आपको एक बात बताती हूँ एक सिस्टॉल और एक डाइस्टॉल मिलकर क्या वो बनती है एक हर्ट बीट बनती है ठीक है वन सिस्टॉल वन सिस्टॉल प्लस वन डाइस्टॉल मिलकर क्या बनती है हर्ट बीट बनती है हर्ट बीट बनती है ठीक है ये याद रखिएगा आप लोग एक सिस्टॉल और जो एक डाइस्टॉल मिलता है तो हर्ट बीट बनती है ठीक अब रेंज क्या होती है ब्लड प्रेशर आपको पहले तो मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो हम लोग जो प्रेशर जो भी जैसे भी हम लोग पता करते हैं देखिए क्वेश्चन गाइस ये है कि किस इंस्ट्रूमेंट्स आप पता लगाते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में ठीक है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है तो उसका आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताओगे और देखिए ब्लड प्रेशर की रेंज कितनी होती है एक एडल्ट में ब्लड प्रेशर की रेंज होती है 120 80, वन ट्वेंटी डायस्टॉलिक और एटी वन सॉरी वन ट्वेंटी सिस्टॉलिक और बाई एटी डाइस्टॉलिक होती है आप जब जाते होोगे अपना ब्लड प्रेशर मेजर ना आए तो आपने देखा है कि डॉक्टर आपको अपर आर्म एक बांध दे कुछ आपको लगाता है और मॉनिटर करता है आपकी रेंज किस रेंज में आपका कितना फ्लक्चुएट कर रहा है आपका बीपी तो उसके थ्रू तो आपको पता लगता है तो उसका नाम क्या होता है वो बताना है आपको और ये आप लोग लर्न कर लेना कि रेंज कितनी होती है बी की एक एडल्ट में वन ट्वेंटी डाइसिस्टॉलिक बाई एट्टी डाइस्टॉलिक ठीक है ये बहुत पूछा जाता है नॉर्मल रेंज कितनी होती है बीपी की डाइस्टॉलिक समझ पे आ गया हार्ट रेट हर्ट बीट तो गाइज़ ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस क्योंकि इसमें जो भी कुछ बताया हुआ है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट और कुछ भी कहीं से ही पूछ सकते हैं बस तो इतना तैयार कर लीजिए आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ तो और और अगर कोई भी डाउट हो आज के वीडियो से तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे मैसेज भी कर सकते हो और मैंने जो बताया उसको ट्रिक को फॉलो करिएगा कि रात में सोने से एक घंटे पहले पंद्रह मिनट ही अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो तो पंद्रह से बीस मिनट लगेंगे और आपके फिफ्टी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ठीक है कोशिश करिए अगर फिफ्टी क्वेश्चन नहीं हो पाए तो थर्टी क्वेश्चन स्टार्ट करिए ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन से स्टार्ट करिए लेकिन क्वेश्चन जरूर लगाइए क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते हैं टीजी टी पी जी टी में तो आपके कुछ क्वेश्चंस तो आपके कुछ तैयारी तो क्वेश्चंस लगाते लगाते ही हो जाएगी ठीक है आपका रिवीजन भी होता रहेगा जो भी आपने टॉपिक्स तैयार कर रखे हैं उनका रिवीजन भी होता रहेगा तो सोने से पहले एक काम करिए और डेली एक एक गेम लीजिए डेली गेम लीजिए एक एक गेम स्टार्ट करिए डेली लेना और जो भी टॉपिक वीक है उसको स्टार्ट कर दीजिए ठीक है तो और भी कोई अगर डाउट हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर लीजिए या मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि वन वर्ड क्वेश्चन पर आएगी और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय